जो इसको जलाना पड़ते हैं। हाय बोलो। इसको ज़्यादा तो पीस नहीं किए ना, बस हल्का हल्का पीस कर रहे हैं ना। तो अभी ये डालेगा, देखने में ऐसा कलर काला लग दिख रहे। ये तो क्या बंक है, तो ये तो क्या बंक है, कनिक बोलते हैं ना इसको, तो कनिक से बना रहे ना, इसलिए हम लोग कजू बोलते हैं, जू यानी दारू ना, ये दवाई के लिए कुछ इस तरह डालते हैं। डायरेक्ट दारू बन जाएगा कि बहुत अच्छे से कवर करना होगा रे। निकाल के इसको थोड़ा सा डाल देगा, इसको पियेंगे बहुत ही मजा होगा रे। वाइन बोलते हैं, कोई अबोंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग का भाषा से इसको जू बोलते हैं। सो लेट मी ट्राई कि वो ये कैसे है बोल के ना। तो चैनल पंसा मीम्स, तो आज का वीडियो में तो वही होगा कि मतलब हम लोग का जगह में कैसे दारू बनाते हैं ना, लोकल वाइन जो। तो हम पहले पपम बड़े साइड में बेचता ही था, तो वो समय जो मतलब कोई कोई उसको अपोंग बोलता था, तो वो तो अपना अपना जगह का ऊपर और ट्राइब के ऊपर डिपेंड करते कैसे बुलाते ना। तो हम लोग तो उसको जू बोलते हैं, मतलब लोकल वाइन को। और प्रिपरेशन मेथड जो हम थोड़ा देखा था, तो वो चीज़ जो हम लोग से बहुत अंतर था, तो हम लोग कैसे बनाते ना पूरा फर्स्ट टू लास्ट वीडियो दिखा देगा। मेरा व्यूअर्स लोग को पीने वाला से बस हमको कॉन्टेक्ट मारो ना, पिलाएगा जरूर बोल रहे कसम से, गारंटी। दबाने करते हुए वीडियो को शुरू करेगा। सो दोस्त लोग ऐसा बनाते हैं, सबसे पहले जो इसको जलाना पड़ते हैं, इसको जलाने का वक्त सब चीज़ करेगा बाद में, मम्मी को पूरा कन्विंस करना पड़ा ये करने के लिए ना। फिर हम पहले बोले कि मतलब हम लोग का जगह में ये सब पीस करने के लिए हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं, ऐसा कुछ मशीन नहीं होते इसका कारण जो। वो इसको ज़्यादा तो पीस नहीं किए ना, बस हल्का हल्का पीस कर रहे हैं। और यही तो बोलते हैं ना हम लोग, तो इसको कर्निंग बोलते हैं, मतलब मेरा भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये सब के बारे जो, मतलब इसको विनोइंग प्रोसेस बोलते हैं ना। इसको हम लोग अपना भाषा से सा बोलते हैं। इसका तो इसको सेम प्रोसेस करेगा। तो ख़त्म हो गया अभी जितना काम बचा था, मम्मी लेके जा रहे। अजू हाय, दे सकते कि पानी बॉयल हो गया ना, तो अभी ये डालेगा। देखने से पूरा काला, थोड़ा काला काला दिख रहे और चेंज नहीं हुए, बस देखने में ऐसा कलर काला दिख रहे। ढक्कन लगा देगा, हाँ लगा दे। तो ये ज़्यादा गीला गीला हो गया, उसका कारण जो तो नीचे में नमा के उसको और थोड़ा सूखने देगा, तो लगभग सूख गया उधर में। तो ये इसको ऐसा क्यों मिस करते बोलने से, तो मतलब थोड़ा अच्छा से पकने दो बोल के। तो ऑलरेडी सब पूरा पक गया, आज तो हम लोग पूरा बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बनाने कर रहे दारू जो। इसको ऐसे पकाए ना, पकाने के बाद जो इसको ऐसे करते कि मतलब इसको पूरा फैला देगा, फैला देगा थोड़ा ठंडा कराने के बाद, एक तो दवाई टाइप होते हैं उसको लगाएगा। तो गैस ये जिसकी इसको पका देना, पकने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो जिसकी ये हम लोग कनिक बोलते हैं ना इसको, तो कनिक से बना रहे ना, इसलिए हम लोग कजू बोलते हैं, जू यानी दारू। सो पहले से आप लोग को दिखा रहे मतलब प्रोसेस चल रहा है बोल के ना, तो अभी हम शॉर्ट में बता देगा। बंखे भी है, बंखे और इसको ऐसे मिक्स करेगा। सबसे पहले इसको पकाते हैं ना, पकाने के बाद जो इसको ऐसे फैला देगा। लोकल दवाई टाइप होते हैं ना हम लोग का जगह में, डिंग बोलते हैं ना, तो वो भी मतलब एक ट्रेडिशनल वे में तैयारी करते हैं। जब उसको लगाएगा ना, तो मेन प्रोसेस है वो डालेगा, तभी तो दारू बनेगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए वो सबसे कितली स्टेप का भी हो गया फिर जरूरी है, वो नहीं डालेगा तो फिर दारू नहीं बनेगा, ऐसा होगा। मैं थोड़ा जब पक जाएगा ना इसको दिखा देगा। तो ये तो क्या बंक है, इसको दारू बनाने के लिए इसका बहुत ज़रूरी होगा। इसको जब उसके साथ मिक्स करे तो अलग बढ़िया अलग टेस्ट आएगा। के लेके आ रहे मम्मी जो, तो इधर में डालेगा, इधर पूरा मिक्सअप दे रहे हैं। पंखे और कनिक मिक्स कर रहे हैं कि हाय चा उनको ये चाकी चक में मन हंग चंग मन हंग चंदी सक में न खिजु को लाइट के चा के ए संग का आगे जाओ ऐसे जाओ मन गा। इसको अच्छा से मिक्स करना होगा। एक्चुअली में ये बुआ जो है
मेरा मम्मी को मदद करने के लिए आई है। मेरा मम्मी भी मदद कर देते हैं, बचपन से दोस्ती करके आ रहे हैं दोनों। हम लोग का साइड में ऐसे एक बिलीफ भी है ना गाइस कि ये दारू जो सिर्फ लड़की लोग बनाने हैं। अगर मान लो लड़का बनाते होने से जिसकी मछली केकड़ा कुछ कुछ पकड़ेगा तो मतलब ये मर्दों वाला काम नहीं कर पाएगा, ऐसा मानते हैं। ये जो डिंग डिंग बोलते हैं ये दवाई के लिए, कुछ इस तरह डालता है फिर इसको पूरा बढ़िया से मिक्सअप कर देगा। गाइस पूरा मिक्सअप कर देने का बना जिसकी दवाई ववाई डाल दिया तो घर का ऐसा कोना पट में रख देने ताकि दूसरों को ऑब्जर्वेशन में ना आए ना। इधर डाल के रख रहे बहुत बड़ा वाला प्लास्टिक लेके थोड़ा बिछा देना है। बिछा देने के बाद फिर इसको बाद में रोल करेगा, रोल करके पूरा कम्बल अम्बल डाल के जितना हो सके गर्म करा के रख देगा ताकि अजू तो इसको ढकेगा प्लास्टिक वो सबसे। प्लास्टिक कैसे थे वाले वो मैटर नहीं करते, दारू बढ़िया बनना है वही है, क्वालिटी मैटर्स ब्रो। ऊपर ढक देगा ये कंबल, ये कंबल हम लोग औरता नहीं है मतलब इसको जैसे हम लोग वो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं दारू वारू बनाने समय ना, इतना बढ़िया से ऐसे कवर करके रखेगा ना तो लगभग एक हफ्ता रखना पड़ेगा। देखते हैं एक हफ्ता का बाद क्या होता है, अब कल शाम तक जो थोड़ा मीठा हो ही जाएगा फिर दारू पीने का लायक जो एक हफ्ता का बाद हो जाएगा तो फिर देखते हैं। उस दिन को ऑलरेडी इसको तो उठा लिया था ना तो बाल्टी में डाल, एक दिन के बाद इसको उठाते हैं। घर से उठा के ये बाल्टी में रखा ला जो वीडियो दिखाना चाहिए था लेकिन वो पार्ट मिस हो गया तो वो चीज़ के लिए सॉरी। चार दिन के बाद पानी डाल रहे हैं, सफिशिएंट डालना पड़ेगा इसके तरह। अभी कुछ देर हो चुके हैं, 6-7 घंटा होने के बाद जो पहले में इधर पानी डाला था ना तो इधर में ऐसे करके डालते ऐसा फिक्स करेगा तो अभी साइड साइड से आप देख सकते हैं अभी थोड़ा वो दारू निकल रहा है पहले का पानी इधर में फिल्टर होके सिर्फ दारू जमा होगा और ये जमा हो रहा है ना उससे दारू कलेक्ट करेगा। थोड़ा दिखाओ आज मैली तो हम लोग ऐसे अंधेरा जगह में रखते हैं ये सब जो मतलब ऐसे ओपन चीज़ नहीं है ये दारू वारू बनाना सो अंधेरा ला किचन का सबसे अंधेरा पार्ट में रख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कलर अभी देखने में बबल्स होने के कारण व्हाइट दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली में ये डैक व्हाइट नहीं है, येलोइश ब्राउन टाइप हो जाएगा। वाओ नॉइस नाइस नॉइस आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 2 घंटा 2.5 आवर्स हो गया अभी इसको निकाल देगा। आप लोग देख सकते हैं अंदर में ये है अभी तो अभी मम्मी जो इसको निकलेगा। वीडियो में कोई देखो कोई गंदा पैसा किसी लाख फाटे तीस आज हुए कि न मामा गो कुछ बोलता है तो ये फर्स्ट टाइम इसको जूमो बोलते हैं, बहुत कीमती होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। फिर वापस जूथोट होगा यानी सेकंड स्टेप होगा, निकाल के इसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो हेलो गाइस तो आप लोग को हम दिखा चुके कि हम लोग का वांचो एस आई एम वांचो सो क्या बोलते हैं हम लोग जो कैसे वांचो ट्राइब में कैसे दारू लोकल दारू बनाते हैं तो उसको हम लोग दिखाया था तो जिसकी ये लोकल दारू है अभी इसको थोड़ा डाल देगा इसको पियेंगे। ये हम बोलते हैं कि हॉट ड्रिंक्स मत लो ना लेकिन लोकल तो लोकल है तो ना तो वांचो ट्राइब का सब लोग लोकल ही होता होगा तो लोकल होने से थोड़ा खा पीना भी। मेरा कैमरामैन बनने के लिए भी घर में कोई नहीं है, हम बहुत बिजी था तो उसका कारण जो हम अभी शॉर्ट में ये वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं तो मतलब ये तो क्या मतलब उस दिन से जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहा था ना ये लोकल दारू है से इसको जीव बोलते हैं सो लेट मी ट्राई कि वो ये कैसे है बोल के ना तो अरे Once more! बहुत मजा है तो इसका तो ये रहा मीट ना हड्डी वड्डी नहीं है क्या, हमको हड्डी वाला पार्ट जो बहुत बढ़िया लगता है ना क्योंकि पता नहीं हड्डी का ये मीट टेस्ट करके खाने में बहुत बढ़िया है
इसका तो मतलब ये मुखबंग टाइप का नहीं है यार, हम बस ये बोल रहे कि आपका पास ना लोकल दारू का साथ जो आप मीट वीट को फ्राई ड्राई फ्राई करके खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी होते हैं ना। तो आज तो चोरेगा नहीं सारा, झुकेगा नहीं। ये बोले कि मतलब ये वीडियो को तो हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं ना, तो आइए वीडियो ख़त्म करेगा। बस ये कि जो उस दिन को मेरा मम्मी और बुआ जो दारू बनाया था ना, तो अभी लगभग 5-6 दिन के बाद जो तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। हम लोग वन चो टू हेड हम डर है तो ना क्या आप लोग मतलब वही कि ये लोकल अपोंग है ना, यानी दारू है ना, जो कि मतलब ये जू है ना, सर्कल में जितना भी दोस्त लोग है कोई कॉन्टेक्ट करो ना, मैसेज कर दो हमको कि थोड़ा खाने मन है पीने मन है। कसम से बोल रहे हैं आज और कल परसों 3 दिन का समय कोई भी कॉन्टेक्ट करेगा हम जरूर पिलाएगा, अगर नहीं पिलाएगा मेरा नाम कट कर दो। गाइस तब तो वीडियो को इधर ही एंड करेगा। तो ये जहाँ में हम बैठते हैं वो जगह में बहुत बढ़िया है, मतलब हवा भी आते हैं ना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।